विषय पर पाल सिंह सोखी और आप सभी का स्वागत करता हूं त्योहार स्वादों का मैं। आज ये त्योहार ऐसा जो पूरा बंगाल झूम उठे। बंगाल में खाने के नाम से भाई कुछ भी कर लो, खाने के बारे में कुछ भी दे दो, लेकिन अगर सही नहीं हुआ ना तो फिर ना, और मिठाई कैसे भी दे दो होनी चाहिए बस। ये त्योहार का जो मौसम होता है बंगाल में मजा आ जाता है। अलग अलग चीजें खाने को मिलती है, देखने को मिलती है और माहौल बिल्कुल रंगारंग हो जाता है। ऐसे में घर पे कुछ बढ़िया खाना बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले रिलायंस फ्रेश जाएंगे और बढ़िया चीजें लेके आएंगे। मैंने अपनी चीजें तो ले ली और मैं बना रहा हूं चॉकलेट गोल गप्पा विथ कलाकंद मूस, है ना इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं माइक्रोवेव में। बस 10-10 सेकेंड के लिए मेल्ट करेंगे। लगभग 30-35 सेकेंड में ये जो चॉकलेट है वो बिल्कुल मेल्ट होने लग जाएगी, टेम्पर हो जाएगी जैसे मुझे चाहिए। ये लीजिए, क्या बात है, ये देखिए अब चॉकलेट परफेक्ट। एक प्लेट ले लेते हैं पानी पूरी। ये इस तरह से जितनी हो सकती है कवर कर लेते हैं। चॉकलेट वर्मिसली ये लीजिए। ये लीजिए, मैंने इतनी बढ़िया चॉकलेट पानी पूरी बना ली है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई अभी। इसे मैं फ्रिज में रख दूंगा ताकि ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप, एक पैन में मैं क्रीम ले लेता हूं और उसमें कलाकंद डाल लेते हैं छोटे टुकड़ों में काट के। मिठाई अक्सर घर पे आती है तो कई बार जब ज़्यादा आती है तो आपको लगता है कि अरे अब क्या करें, इतनी मिठाई आ गई, इसका करें तो करें क्या। जो कलाकंद है वो और क्रीम, इन दोनों को मैं थोड़ा सा पका लेता हूँ। जैसे ही क्रीम गर्म हो जाती है कलाकंद मेल्ट हो जाता है, ये मैं निकाल लेता हूँ और इसमें डालते हैं व्हाइट चॉकलेट। जैसे ही व्हाइट चॉकलेट मेल्ट होती है थोड़ी देर तक ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं। अब इसमें डालूंगा मैं व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम जो पेस्ट्री क्रीम मिलती है आपको, वो ले लें और वो लेके मिक्स कर लें। लाइट फ्लफी मूस बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा ये। थोड़ी देर तक चिल करने रखता हूं मैं इसे फ्रिज में। तो सारी चीजें सेट हो गई होंगी और ये लीजिए मूस, बिल्कुल बढ़िया सुपर हिट। ये देखिए पूरी चॉकलेट वाली। और ये मेरा पाइपिंग बैग, ये ले लेता हूँ। ये देखिए मूस है ना फ्लफी, बिल्कुल बढ़िया। अब थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। बाकी तैयारी कर लेते हैं। अब ये बढ़िया तो चॉकलेट पानी पूरी है, ये मैं रख लेता हूँ इसमें, और जो मूस है उसे हम वाह, और इसके ऊपर चॉकलेट वर्मिसली, थोड़े से पिस्ता। ये लीजिए सुपर हिट रेसिपी तैयार है, त्योहार के लिए परफेक्ट। दुर्गा पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाएं और प्यार बांटते रहें। बढ़िया चीज़ें बनाने के लिए आपको बढ़िया इंग्रेडिएंट चाहिए और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिलायंस फ्रेश। बढ़िया रेसिपी के लिए आना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है त्यौहार स्वादों का।